तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कि हमारे ही तरह है, जिनका कंप्यूटर सेंटर है, या तो वो किसी भी प्रकार का कोचिंग चलाते हैं, या तो वो DCA कोर्स करा रहे हैं, PGDCA कोर्स करा रहे हैं, CPCT कोर्स करा रहे हैं, या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार के कोर्स करा रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर कोर्स के अलावा और भी, मान लीजिए आप लोग, आप में से हमारे कोई सब्सक्राइबर या जो भी कोई वीडियो देख रहा है उनकी कोई कोचिंग सेंटर है और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए चूंकि हमारी संस्था जो है वो कंप्यूटर कोर्स DCA, PGDCA और CPCT का कोर्स कराती है, इसी कारण से ये जो आज हम जानकारी देने वाले हैं, समझ लीजिए कि उन सेंटर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस प्रकार के कोर्स चला रहे हैं, बाकी ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो दूसरे अदर प्रकार के कोर्स चलाते हैं। तो वो क्या है, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा जरूर देखिए। स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद उसकी जो फोल्डर है वो आपको जिप्ड फोल्डर मिलेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये फोल्डर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इस फोल्डर पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ फाइल्स दिखाई देंगी। यहाँ पर देखिए, आपको अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जावा पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जावा पैकेज को इंस्टॉल, आप देखिए ये जावा पैकेज की लिंक हम इस सॉफ्टवेयर की लिंक के अलावा नीचे अलग से दे सकते हैं, या आप इंटरनेट से भी इसको जावा की वेबसाइट से निकाल सकते हैं, और या तो आपको ये फोल्डर के अंदर ये जावा पैकेज मिल रहा है तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अब आप इस जावा पैकेज को रन कर लीजिए। आपका यदि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है यदि 64-bit तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए, यदि आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 32-bit को सपोर्ट करता है तो आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए। ये दोनों पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद अब आपका सॉफ्टवेयर रन होने के लिए तैयार है। तो रन करने के लिए देखिए ये जो आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस आइकॉन पर आपको डबल क्लिक करना है। अब यदि आप ये चाहते हैं कि ये जो फोल्डर है, जैसे अभी हमने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, यदि आप इस फोल्डर को आपके डी ड्राइव में या किसी दूसरी ड्राइव में सेव करके रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक आइकॉन बन जाए, उस आइकॉन पे क्लिक करने पर ये सॉफ्टवेयर चालू हो जाए, तो आप क्या करिए, ये है एग्जीक्यूटेबल फाइल exe फाइल, जिसको क्लिक करने से सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू, और यहाँ पर जाकर के डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके का आइकॉन जो है स्क्रीन पर आपके बन जाएगा। अब जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है, प्लीज़ एंटर योर नेम, दिस इज़ वन टाइम प्रोसेस। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ओके बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये बोल रहा है कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से संबंधित टर्म्स एंड कंडीशन है आप इसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद यहाँ पर आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सॉफ्टवेयर की पहली स्क्रीन जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम सीखेंगे, देखिए इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है एक आपके, अगर आपका कंप्यूटर सेंटर है या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाते हो, या आप इस सॉफ्टवेयर को अपने तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपने सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से समझ लिया कि यह सॉफ्टवेयर किस तरीके से कार्य करता है, तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले देखिए ऊपर लिख करके आ रहा है इंस्टीट्यूट नेम,
तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है, कोचिंग का नाम है, स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, जिसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यहाँ पर आप यदि चाहते हैं कि वो नाम यहाँ पर दिखाई दे, तो यहाँ से सेटिंग में जाइए, चेंज इंस्टीट्यूट नेम में क्लिक करिए और जो भी इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम इस प्रकार से टाइप कर दिया। ओके बटन में हम जैसे क्लिक करेंगे, देखिए इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आपने एक बार टाइप करने के बाद इसको चेंज भी करना है तो फिर से सेटिंग में जा करके आप चेंज इंस्टीट्यूट नेम में क्लिक करके ये नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर बैच को ऐड करेंगे, जो भी आपके कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, ठीक है, जो भी बैचेस लगते हैं, जो भी कोर्स होते हैं, उसकी आप जानकारी को यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके लिए ऐड बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया गया है ऐड बैच। ऐड बैच ऑप्शन को आप जो है माउस की सहायता से भी कर सकते हैं और कंट्रोल बी शॉर्टकट की के द्वारा भी बैच ऐड किया जा सकता है। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, देखिए बैच को ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यदि हम कंप्यूटर सेंटर के लिए बना रहे हैं तो DCA, उसकी जितनी फीस है, जो भी फीस आप लेते हैं, वो फीस यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। जैसे सेव करेंगे देखिए यहाँ पर ये लिस्ट में दिखाई देगा। और दूसरा जो कोर्स यहाँ पर आप एंटर करना चाहते हैं वो एंटर कर दीजिए। ये देखिए दूसरा कोर्स भी हमने एंटर कर दिया। तो जो भी आप, यदि आप कोचिंग पढ़ाते हैं और कोचिंग पढ़ाते समय यदि आप चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, इस तरीके से 11th क्लास, 12th क्लास, तो बैच नेम के रूप में आप जो है कोचिंग के नाम को ऐड कर सकते हैं। या आप C++ पढ़ाते हैं, C पढ़ाते हैं, जावा पढ़ाते हैं, .NET पढ़ाते हैं, या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंग्लिश स्पोकन पढ़ाते हैं, उसका अलग अलग बैच है। तो यहाँ बैच के नाम पे आप इवनिंग बैच, मॉर्निंग बैच, आफ्टरनून बैच या टाइम, तो जो भी आप डिसाइड करना चाहते हैं यहाँ पर बैच में डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर को आप अपने तरीके से, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए बैच ऐड कर लिए हैं। अगर बहुत सारे बैचेस हैं तो उन बैचेस को आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। देखिए जैसे DCM टाइप करेंगे तो DCA कीवर्ड जहाँ पर है वहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए हम CPCT टाइप करेंगे तो CPCT आ जाएगा। तो बहुत सारे अगर कोर्सेज हैं, अगर यहाँ तो हमने 3 ही कोर्स एंटर करके रखे हुए हैं, यदि बहुत सारे कोर्स आपने एंटर करके रखे हुए हैं कि आप मान लीजिए C भी पढ़ाते हैं, C++ भी पढ़ाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कराते हैं, टाइपिंग भी कराते हैं, ये सभी लिस्ट में दिखाई देंगे। हर एक बैच में कितने स्टूडेंट आते हैं उनकी जानकारी देखने के लिए आप यदि बैच को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल बैच का नाम टाइप करेंगे और उस बैच को आप सर्च करेंगे तो केवल वो बैच आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से बैच को ऐड करने के बाद अब हम देखेंगे कि अगली प्रोसीजर क्या होती है। देखिए कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है या स्कूल है या कॉलेज है या हमारा कंप्यूटर सेंटर है, तो सबसे पहले वो एक इंक्वायरी होता है, वो हमसे जानकारी लेने आता है कोर्स के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट अगर पूछने आता है हमसे, यदि हम उसकी जानकारी को अपने पास कंप्यूटर में स्टोर करके रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के हम उसको फ़ोन कॉल कर सकते हैं या वही इंक्वायरी हमारे एडमिशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास ये भी पूरा डेटा इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रहेगा कि कितनी इंक्वायरी हमारे पास इस कोर्स से संबंधित, पर्टिकुलर बैच से संबंधित हमारे पास आई हुई हैं। सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं कि इंक्वायरी को किस प्रकार से ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप उस इंक्वायरी को अपने रजिस्टर वगैरह में भी नोट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो खींच के रख सकते हैं, या डायरेक्ट यदि आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसकी जानकारी को, इंक्वायरी जो आ रहा है, जो पूछने के लिए आ रहा है, उसकी जानकारी को डायरेक्ट इस सॉफ्टवेयर में एंटर करके रख सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया न्यू इंक्वायरी ऑप्शन पर। जैसे न्यू इंक्वायरी ऑप्शन में क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर एक डेटा एंट्री फॉर्म आ जाएगा। तो अब जो भी इंक्वायरी है यहाँ पर जो है हम उसका नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप करने के बाद उसका एड्रेस हम टाइप कर देंगे जहाँ से वो आया है, जिसके कारण हम इसका ये बेनिफिट हमको ये मिलेगा कि वो कहाँ से इंक्वायरी ज़्यादातर आती है, एडमिशन कहाँ से आते हैं, वो किस, यहाँ पर देखिए कॉलेज कीवर्ड दिया गया। इसका इस्तेमाल आप अपने तरीके से करिए, जैसा आपको टेक्स्ट लग रखना है वो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए हम कॉलेज का मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि वो किस स्कूल से इसने 12th की है या किस कॉलेज से पढ़ के आया है, वो PGD से करना चाहता है, यदि वो CPCT करना चाहता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उस कॉलेज का नाम लिखेंगे जिस कॉलेज को उसने लास्ट में अटेंड किया है। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आगे चल के हमको उस कॉलेज से रिलेटेड यदि और स्टूडेंट से संपर्क करना है तो हम इस डेटा के अनुसार दूसरे स्टूडेंट से संपर्क कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डाल दिया
इस तरीके से हम एंट्री कर देंगे। अब उसका मोबाइल नंबर भी देना इम्पॉर्टेंट है, तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर बैच आ गया, जो भी आपने बैच ऐड किए थे। यदि आप बैच को ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये बैच दिखाई नहीं देंगे। तो मान लीजिए DC में एडमिशन लेना चाहता है, जैसे हम सेव बटन में क्लिक करेंगे तो ये जानकारी हमारी एक इंक्वायरी के रूप में स्टोर हो चुकी है। इस तरीके से जितनी भी इंक्वायरी आपके पास आती जाती है, आप उनको बड़े ही आसानी से जो है ऐड कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप इनको कॉल करना चाहेंगे तो आप इसको देख करके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो भी मोबाइल नंबर, जो भी जानकारी देना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, और बैच जो भी ऐड करना है वो बैच ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इंक्वायरीज़ को जो है ऐड करते जाइए। इंक्वायरी में हम एक चीज़ और बता दें, आप फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए अब फ़ोटो इंक्वायरी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, बाद में हम ये भूल जाते हैं कि वो व्यक्ति कौन सा था जिसको हम फ़ोन लगा रहे हैं, ताकि चेहरा याद होने से हम उसको कॉल कर सकें कि उसने क्या बोला था। यदि आप फ़ोटो को स्टोर करके भी रखना चाहते हैं तो आप इसमें डबल क्लिक करिए, और डबल क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने फ़ोटो उसकी स्टोर करके रखी, अब आप बोलेंगे कि उसकी फ़ोटो को हम कैसे स्टोर करके रखेंगे, तो फ़ोटो को स्टोर करना बहुत ही सरल है। आप क्या करिए कि अपने लैपटॉप में वेबकैम लगा के रखिए, आप वेबकैम से उस इंक्वायरी की फ़ोटो तुरंत खींच लीजिए, या अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए और बाद में सॉफ्टवेयर में अपने मोबाइल से कंप्यूटर में ला के इस सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करिए। ये इमेजेस आपके बहुत काम आएंगी जब आप उस इंक्वायरी को फ़ोन करने के लिए डेटा को देखेंगे। देखिए इस तरीके से जो भी फ़ोटो आपको स्टोर करनी है वो आप स्टोर कर दीजिए, और इसका नाम वगैरह जो है जो भी एंटर करना है वो आप नाम एंटर कर दीजिए। ठीक है ना, तो जो भी डेटा है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इस बार हम ये रिकॉर्ड CPCT के लिए, तो जो भी रिकॉर्ड्स है वो आप इनपुट करते जाइए। अब देखिए दूसरा रिकॉर्ड इनपुट करना, हमको फ़ोटो बदलना, हम यहाँ से जाकर के डबल क्लिक करेंगे और फ़ोटो ज़रूर आप बदल देना ना, जो अगर आप सेव करेंगे इसी को देखते हो तो वही डेटा सेव हो जाएगा, या फिर से इसमें क्लिक कर देंगे आप एक बार तो ये फ़ोटो हट जाएगी। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है और आप नॉर्मली यहाँ पर डेटा एंट्री कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो भी कोर्सेस हैं आपके पास उनकी आप रिकॉर्ड्स को जो है एंटर कर लीजिए। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास इंक्वायरी आती है जिस कोर्स से रिलेटेड, उस कोर्स के बारे में आप जो भी इंक्वायरी है वो आप एंटर करते जाइए। वो इंक्वायरी के नाम वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर इंक्वायरी टैब दिखाई दे रहा है, शो ऑल में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनकी भी जानकारी दिखाई देगी, इंक्वायरी की भी। अगर हम इंक्वायरी में क्लिक कर देंगे तो जो जो हमारे पास इंक्वायरी आई हुई है केवल उनकी जानकारी अभी हमको दिखाई देगी। तो अभी हमने आपको केवल इनपुट करके दिखाया क्या कि आपके पास जो भी इंक्वायरीज आती हैं उन इंक्वायरीज़ को कैसे आप इनपुट करेंगे। तो इस तरीके से जो भी इंक्वायरीज आपके पास आती जाती है आप यहाँ पर जो है उन इंक्वायरीज़ को एंटर करते जाएं। आप देख सकते हैं कि जब आपने सारी इंक्वायरीज़ को ऐड कर लिया है, जिस भी इंक्वायरी का डेटा आपको देखना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने उससे रिलेटेड फ़ोटो अपलोड किए तो अपलोड भी कर सकते हैं। यदि फ़ोटो आपने नहीं डाली हुई है तो दोबारा भी आप चेंज बटन में क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से आप उसको कॉल भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए उसने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, उसने मान लीजिए जो भी इंक्वायरी है वो बाद में एडमिशन भी ले लेती है। यदि उसने एडमिशन ले लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे ही आप मार्क एस एडमिटेड में क्लिक करेंगे तो अब ये जो है एडमिशन के अंतर्गत शो होगा। ये देखिए शो ऑल में इंक्वायरी और जो एडमिशन है वो भी दिखाई देंगे, लेकिन अगर केवल हम इंक्वायरी में क्लिक करेंगे तो इंक्वायरी बस दिखाई देगी। अगर हम एडमिट में क्लिक करेंगे, देखिए जो रवि कुमार था उसको हमने पहले वो इंक्वायरी में उसको क्लिक किया था, उसके बाद हमने उसको मार्क एस एडमिटेड में क्लिक कर दिया है, तो रवि कुमार जो है हमारा एडमिशन वाली कैटेगरी में आ चुका है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर जो है जो भी इंक्वायरी है उसको तुरंत इस बटन पे क्लिक करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि उसने एडमिशन ले लिया है। अब मान लीजिए जो भी एडमिशन आप करा रहे हैं इसमें एडमिशन की एंट्री करना है और उसको आप इंक्वायरी में एंट्री नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट उसकी एंट्री आप एडमिशन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऐड में जाना है और यहाँ से आप ऐड स्टूडेंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से इंक्वायरी नहीं, ये डायरेक्ट स्टूडेंट को हम जो है
एंटर करने के लिए यहाँ पर हम डेटा जो है बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी नाम है स्टूडेंट का वो नाम दे दिया, और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस है वो हम टाइप कर देंगे, और एड्रेस टाइप करने के बाद उसका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर हम दे देंगे, किस कॉलेज से जो है वो आया हुआ है उसको हम डाल देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर कॉलेज से पता चल जाता है कि एडमिशन का प्रीवियस कॉलेज कौन सा था, तो हमने यहाँ पर जो भी कॉलेज है वो कॉलेज की एंट्री कर देंगे हम। उसके बाद जो भी वो एडवांस फीस दे रहा है तो एडवांस फीस की एंट्री करिए, या तो इस कॉलम इसको आप छोड़ दीजिए, इसका कारण हम आपको आगे बताएंगे कि इसको क्यों छोड़ना है। उसके बाद उसने जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया है, उसने DCA में एडमिशन लिया है या PGDCA में एडमिशन लिया है या CPCT में एडमिशन लिया है, आप इसमें उसको सेव करते जाइए। तो जैसे आप सेव बटन में क्लिक करेंगे तो उसकी एंट्री जो है वो यहाँ पर होती जाएगी, और जो भी आपको यहाँ पर अगला जो है डेटा एंटर करना है वो आप डेटा एंटर कर लीजिए। ये देखिए हम कुछ रिकॉर्ड इस तरीके से एंटर करते जाते हैं। सारा डेटा हम आपको समझाने के लिए भी भर रहे हैं, तो कुछ रिकॉर्ड हमारे जो है इस तरीके से सभी कोर्सेज में DCA में PGDCA में और CPCT में हम कुछ कोर्स की एंट्री जो है कर ले। तो इस तरीके से सभी रिकॉर्ड्स की एंट्री करने के बाद आपको रिकॉर्ड्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखाई देगी। शो ऑल में क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इंक्वायरी में डेटा एंटर किया है वो भी दिखाई देगा, जो भी आपका एक कोर्स के जितने कोर्स के अलग अलग डेटा हैं सारे डेटा जो है आपको दिखाई देंगे। अगर हम इंक्वायरी में क्लिक करेंगे तो जो भी इंक्वायरीज हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगी। अब कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया है, जिनकी एंट्री आपने एडमिशन की अलग से की हुई है, या तो इंक्वायरी को आपने मार्क्स एस एडमिटेड बनाया है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी एडमिशन वाले हैं उनके रिकॉर्ड भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जो मेन फीस वगैरह जमा करने का काम है वो जो एडमिटेड स्टूडेंट है आप उन पर कर सकते हो। जो फ़ोन लगाने का काम है कि आप फ़ोन लगा करके उनको कन्वेंस कर सकते हो कि आप एडमिशन वगैरह लीजिए, उसके लिए आप इंक्वायरी में काम कर सकते हो, देखिए उनके मोबाइल नंबर पे काम कर सकते हो। शो ऑल में आपको टोटल डेटा जो है वो दिखाई देगा कि कितने स्टूडेंट जो है आपके यहाँ इंक्वायरी थी और कितने टोटल स्टूडेंट आपके यहाँ आ करके चले गए हैं। उसके बाद आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे आप इंक्वायरी में किसी के नाम को सर्च करना चाहते हैं तो आप इंक्वायरी में चले जाइए, या आप देखना चाहते हैं कि उसने एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है तो आप एडमिटेड में जा कर के इस तरीके से जो भी नाम है उस नाम को सर्च कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने HAR टाइप के तो उससे रिलेटेड नाम यहाँ पर आ चुके हैं। इन नामों को हम इसलिए सर्च करेंगे कि अगर इस स्टूडेंट की हमको फ़ीस जमा करना है या इस स्टूडेंट का हमको नाम एड्रेस बैच और मोबाइल नंबर चेंज करना है तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये सर्च करने के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सर्च बार बनाया गया है, चाहे आप शो ऑल में हैं तो भी आप सर्च कर सकते हैं, इंक्वायरी में हैं तो भी सर्च कर सकते हैं, एडमिटेड में अगर आप हैं तो भी सर्च कर सकते हैं। अभी सर्च बार का सबसे अच्छा यूज़ हम आपको बताते हैं। मान लीजिए रविंद्र कुमार ने फीस जमा की है, तो रविंद्र कुमार का नाम चूँकि यहाँ पर अभी तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर नाम दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसके नाम पर राइट क्लिक कर सकते हैं और पे फी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बहुत बड़ी लिस्ट है, 500,000 स्टूडेंट हैं, तो आप उसका नाम टाइप करेंगे तो देखिए उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप एक्सेल की तरह इसके कॉलम को भी ये देखिए बड़ा छोटा करके नाम दे सकते हैं। ये देखें अब यदि इसने फीस जमा की है, देखिए टोटल फीस 12,000 है, सबमिट अभी 0 है, मतलब पेंडिंग 12,000 बता रहा है। इसने फ़ी पे करना है इसकी, तो राइट क्लिक करेंगे, पे फी ऑप्शन में जाएंगे और जितनी भी फीस ये पे करते हैं, मान लीजिए इसने पहली बार 3,000 जमा की, ये देखिए जैसे 3,000 जमा करेगा ये तो सबमिटेड फीस 3,000 बता रहा है और पेंडिंग फीस 9,000 बता रहा है। मान लीजिए रविंद्र कुमार ने दोबारा फीस जमा की, तो दोबारा वो फीस जमा करेंगे तो राइट क्लिक करो आप, फिर से इसी तरीके से सर्च कर लीजिए इस सॉफ्टवेयर को ओपन करके, पे फी में क्लिक करिए। इस बार इसने जो है 4,000 फीस जमा की, तो आप 4,000 जमा कर दीजिए, देखिए पेंडिंग फीस 5,000 बता रहा है, सबमिटेड फीस 7,000 है, क्योंकि टोटल फीस 12,000 है। तो ये बढ़िया एक्सेल की तरह ही है, लेकिन एक्सेल में ये है कि यूज़र इंटरफेस नहीं होने के कारण थोड़ा सा उसमें काम करने में प्रॉब्लम जाती है।
मान लीजिए रविंद्र फिर से आया, उसने जो है फिर से फीस जमा की, तो फिर आप राइट क्लिक करेंगे, पे फी में जाएंगे। इस बार उसने 1000 रुपये जमा किया, ये देखिए सिंपल आपको जमा यहाँ पर कर देना है। आप पेंडिंग फीस इसकी 4000 रुपये है। अब यदि आप उस स्टूडेंट को जो है रिसिप्ट देना चाहते हैं, तो रिसिप्ट देने के लिए भी आप उसके नाम को सर्च करिए, राइट क्लिक करिए और शो रिसिप्ट ऑप्शन में क्लिक करिए, तो आप देख सकते हैं कि उसने किस डेट को फीस जमा की थी, कितने समय जमा की थी और कितनी फीस जमा की थी। इसमें से किसी भी रिसिप्ट के लिए आपको प्रिंट निकालना, प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट में देख सकते हो आप कि प्रिंट में यहाँ पर आपको जो है टोटल दिखाई देगा, जितने तारीख को जो भी फीस जमा की है। यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। देखिए सितंबर 23 को पहले 3000 और फिर 4000, फिर 1000, पेंडिंग फीस 4000 रुपये है। यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं, देखिए आप उसी फोल्डर के अंदर ये सेव भी हो जाएगा। इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो ये एमएस वर्ड की फाइल है। आप चाहें तो स्टूडेंट को जो है प्रिंट करके भी दे सकते हैं, या कोई स्टूडेंट यदि ईमेल में रिसिप्ट मांगता है तो उसको ईमेल में भी रिसिप्ट दे सकते हैं, या उसकी आप पीडीएफ फॉर्मेट भी बना सकते हैं। देख सकते हो ये रिसिप्ट इस प्रकार से आ चुकी है सामने आपके, ठीक है ना। और जो भी इंस्टीट्यूट का नाम आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, अगर हम एडिट करना चाहें, ये देखें एडिट भी हम कर सकते हैं। और यदि आप बार बार टाइप नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बार इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे तो भी जो है ये वहाँ पर आसानी से ले लेगा। अब इसका आप प्रिंट निकाल दीजिए और स्टूडेंट को दे दीजिए। आप सील भी लगाना चाहते हैं इसमें, सील लगा दीजिए। इस तरीके से सभी स्टूडेंट की जो रिसिप्ट हैं वो जो भी फोल्डर है आपका उसमें सेव होते जाएंगी। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है जिसके द्वारा स्टूडेंट्स ने कितनी फ़ीस कब कब जमा की है इसको बड़ी ही आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। और ये सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी विशेषता है और वो यही है कि स्टूडेंट को जो है वो फीस जब आप जमा करते हैं तो वो फीस का सारा रिकॉर्ड आपके सामने वेल मेंटेन रहेगा, और जो भी फोल्डर बना हुआ है उसमें एक रिसिप्ट नाम का ऑटोमेटिक फोल्डर बन जाएगा और सारे जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी फाइल हैं, वो एक के बाद एक सेव होती जाएगी। तो जब भी स्टूडेंट प्रिंट मांगता है आप उसको प्रिंट जो है निकाल के दे सकते हो, और आप इसको मैनुअली इस तरीके से रखना चाहते हो वर्ड की फाइल में भी उसको भी आप रख सकते हो। इस तरीके से आपने देखा कि जो भी एडमिशन ले चुके हैं स्टूडेंट, अगर उनकी आपको फीस जमा करनी है, डायरेक्टली आपको नाम दिखाई दे रहा है तो राइट क्लिक करिए और पे फी में क्लिक करिए और यहाँ से फीस जमा करते जाइए, और बड़े ही आसानी से आप उसकी फ़ीस को जो है मैनेज कर सकते हो। जो भी फीस सबमिट हुई है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, पेंडिंग फीस जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं, देखिए इसका एक और बहुत अच्छा फीचर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे जो भी आपने फीस यहाँ पर सबमिट करते गए हैं तो पेंडिंग फीस, सबमिटेड फीस दिखाई दे रहा, टोटल फीस दिखाई दे रहा, यहाँ पे नाम वगैरह भी हैं। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये नाम के अनुसार शॉर्ट हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग में करना है आपको तो फिर से क्लिक करेंगे, अब ये असेंडिंग में जो है असेंडिंग ऑर्डर में जम चुका है। वैसे इसका सबसे अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं, मान लीजिए सबमिट फीस, आप देखना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा फीस किसने सबमिट की तो क्लिक कर दीजिए। देखिए अभी हमने ये रविंद्र कुमार की फीस जमा की थी इसलिए उसका सबसे टॉप में आ रहा है। अगर इसी को हम डिसेंडिंग में जमाना चाहते हैं, इस तरीके से ये डिसेंडिंग में जम जाएगा। ये इसी तरीके से यहाँ पर पेंडिंग फीस में भी क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग में होगा कि सबसे ज़्यादा किसकी पेंडिंग फीस है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आखिरी में कम आते जाएगा। अगर सबसे कम वाली जो जमा की उसको ऊपर लगाना है तो आप इस तरीके से ऊपर भी लगा सकते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया आपका। तो इस तरीके से देख सकते हो कि आप पेंडिंग फीस, सबमिटेड फीस या नाम के अनुसार इस लिस्ट को, पूरी लिस्ट को जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हो। तो ये भी फीचर आपके बहुत काम का है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसका एक और नया फीचर कि यदि आपको किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मान लीजिए हमको इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की दबाएं, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से जो है डिलीट की दबाएं, और अगर आप ओके कर देंगे तो ये रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर आपको हर्षित नाम का रिकॉर्ड जो है दिखाई नहीं दे रहा है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की दबाना है। ये ध्यान रखें कीबोर्ड से डिलीट की ही आपको दबाना है और ओके करना है, अब वो रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी रिकॉर्ड को जो है डिलीट कर सकते हैं। बाकी राइट क्लिक करके पे फी फीचर के बारे में हमने आपको बता दिया। यदि स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, बैच
मोबाइल नंबर चेंज करना है वो बता दिया। यहाँ से शो रिसिप्ट में क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इसका जो भी अमाउंट जमा किया उसकी रिसिप्ट दिखाई देगी। जैसे हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, शो रिसिप्ट में क्लिक करते हैं तो रिसिप्ट दिखाई देगी। और यदि हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए हमने आपको बताया कि कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर शो ऑल में क्लिक करते हैं तो सभी यहाँ पर चाहे जो कोई भी PGD से कर रहा है, CPCT कर रहा है, D से कर रहा है, सभी रिकॉर्ड एक साथ दिखाई देते हैं। और इंक्वायरी में क्लिक करते हैं तो जो भी आपके यहाँ इंक्वायरीज आई हुई हैं जिस भी बैच से रिलेटेड वो दिखाई देते हैं। एडमिटेड में क्लिक करते हैं तो एडमिशन भी पूरी लिस्ट एक साथ दिखाई देती है कि PGD से किसने किया, CPCT, D से, PGD से, पूरी लिस्ट एक साथ दिखाई देती है। लेकिन अगर आप इसको बैच वाइज देखना चाहते हैं तो आप बैच वाइज देखने के लिए देखिए इस आइकॉन पे क्लिक करिए, बैचेस एंड स्टूडेंट। तो अब आपके सामने ये बैचेस वाला जो है टास्क पेन आ गया है। अगर आप नई इंक्वायरी फिर से जोड़ना चाहते हैं तो न्यू इंक्वायरी में क्लिक करिए, और अगर आप नया बैच वगैरह जो है देखना चाहते हैं तो बैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो बैच में आप देख सकते हो यदि DCA में क्लिक करोगे तो केवल आपको DCA के रिकॉर्ड दिखाई देंगे, PGDCA में क्लिक करोगे तो PGDCA बस के रिकॉर्ड दिखाई देंगे, और CPCT में क्लिक करोगे तो CPCT बस के रिकॉर्ड दिखाई देंगे। उससे ये होगा कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो फिल्टर होकर आपको दिखाई दे रहे हैं कि आपको केवल DCA वाले स्टूडेंट में वर्क करना है या केवल उसकी फीस जमा करनी है या उसके अंतर्गत कोई नाम ढूंढना है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप बैच में जाकर के क्लिक करके इस पर डबल क्लिक करके और जो है उस कोर्स को सर्च कर सकते हो, उस कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट को सर्च कर सकते हो, या सर्च में क्लिक करके और भी किसी का नाम यदि आपको मालूम है उसके अनुसार फीस जमा करना है तो भी सर्च किया जा सकता है। और यहाँ पे भी सर्च बार दिया गया है, यहाँ पे तीन ही कोर्स हैं। मान लीजिए बहुत सारे कोर्स आपने बना करके रखे हैं, जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा बहुत सारे कोर्स होते हैं, आप भी C++, java.net, vb.net और भी बहुत सारे कोर्स कराते हैं, टाइपिंग की क्लास, इंग्लिश स्पोकन क्लास, अलग अलग बैच हैं। इसका इस्तेमाल आप स्कूल की अगर कोचिंग क्लास पढ़ाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 10th, 11th, 12th, तो यहाँ पर बहुत सारे बैच जो है ऐड कर सकते हैं ऐड में जाके ऐड बैच से। तो जब आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे और आप किसी पर्टिकुलर बैच को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के देखिए आप पर्टिकुलर बैच को जो है ढूंढ सकते हैं। देखिए CPCT हमने टाइप किया तो CPCT वाला बैच बस आ गया। तो अगर 3-4 ही हैं तो वो तो सामने ही दिखाई देंगे, यदि बहुत सारे यदि आपके बैच हैं तो वो यहाँ पर क्लिक करके आप उन बैच को सर्च कर सकते हैं। तो आपने देखा इस सॉफ्टवेयर को एक बार बस वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है ताकि आपके दिमाग में पूरा सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करना है वो जो है वो चला जाए, ताकि जब भी आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें तो आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि जो है इसका जो एक और वीडियो है मैंने पहले भी अपलोड किया था, उसमें बहुत सारी क्वेरीज आ चुकी थी, लेकिन उन सारी क्वेरीज को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो जो है बनाया हुआ है। पहले हमने जो क्या किया था कि इसमें एक की के लिए बोला था कि आपको जो है सॉफ्टवेयर की को एंटर करना पड़ेगा, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट हमने इस अपने इस सॉफ्टवेयर के वर्जन से हटा दिया है। जी हाँ, केवल आपको एक बार की पेमेंट करने के बाद दोबारा इसके लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी पेन ड्राइव में रखिए और सिस्टम आपका यदि सॉफ्टवेयर फॉर्मेट हो जाता है तो आप दोबारा पेन ड्राइव से उस सॉफ्टवेयर को ला करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डेटा आपने बनाया है वो किस तरीके से आप एक्सेल में सेव करके रखेंगे और कैसे फिर एक्सेल के डेटा को दोबारा इस सॉफ्टवेयर में लेकर के आ जाएंगे, वो भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि इस सॉफ्टवेयर को एक बार खरीदने के बाद आपको दोबारा जो है कोई भी कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इस सॉफ्टवेयर को चलाने से संबंधित आप बहुत सारे ऑप्शन जो है समझ चुके हैं, और आई होप अब इस सॉफ्टवेयर को आप बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे कुछ आपने सीख लिए हैं। स्टूडेंट को कैसे एडमिशन अगर वो लेता है ऐड करना है, सबसे पहले बैच को ऐड करते हैं। उसके बाद देखिए विंडोज़ में आकर के ये जो यहाँ पर आपको बैच, और अगर इसको अनचेक करने के लिए बैच नहीं दिख रहा है, और स्टूडेंट टेबल भी अगर नहीं देखना चाहते तो वो भी नहीं दिखेगी, और दोनों को आप चेक करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं। इसी के बाद जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, या हमेशा आप सेव ऑल बटन पर क्लिक कर दें जिससे आपका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा, या कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल एस भी आप प्रेस जरूर कर दें। नहीं तो अगर आप सॉफ्टवेयर को बंद करके और सेव नहीं करेंगे, कैंसिल बटन में क्लिक कर देंगे तो जो भी डेटा एंट्री आपने करके रखी हुई है वो डेटा आपको दोबारा ओपन करने पर यह सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देगी।
आज हम बात करने वाले हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि है एक्सपोर्ट करना और इम्पोर्ट करना। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि यदि आप इस पूरे डेटा को जो भी यहाँ पर एंटर किया हुआ है आपने, इस पूरे डेटा को आप एक्सेल की फाइल में ले जाना चाहते हैं या इसको आप जीमेल में ले जा कर के किसी को अपने डायरेक्टर को या आप स्वयं अपने ईमेल आईडी में रखना चाहते हैं जो भी डेटा है, जो भी फीस पेंडिंग है, तो उसके लिए आप इस एक्सपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट की लिस्ट। देखिए, जैसे हम स्टूडेंट की लिस्ट में क्लिक करेंगे एक्सपोर्टेड एट, और ये आपको पाथ भी दिखा देगा कि ये जो फाइल है वो कहाँ पर सेव हो रही है और किस नाम से सेव हो रही है। तो देखिए, बता दिया कि ये डेस्कटॉप में जो है इस फोल्डर के अंदर इस नाम की फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद हम बैच को अलग से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या हम एक्सपोर्ट ऑल में क्लिक करेंगे तो आपका जो बैच है और स्टूडेंट है वो दोनों एक साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम एक्सपोर्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। तो जो भी फोल्डर है, जैसे हमने सॉफ्टवेयर का फोल्डर ये है, ये देखिए स्टूडेंट की फाइल और बैच की फाइल ये एक्सेल में जो है वो एक्सपोर्ट होकर के यहाँ पर बन गई। अब इस फाइल को आप जो है लिस्ट को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए चलिए हम आप इस फाइल को ओपन करके दिखाते हैं। फाइल को हमने डबल क्लिक किया, ये देखिए जो भी स्टूडेंट का नाम है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है, जो भी उसका एड्रेस है, जो भी उसका बैच है, जो भी उसकी सबमिटेड फ़ीस है, जो भी इसने पुराने कॉलेज में एडमिशन लिया था, पेंडिंग फ़ीस, पेमेंट कब की है, देखिए ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाता है किस डेट में की है, ठीक है, किस समय की है, कितनी फ़ीस की है, और वो कैसा स्टूडेंट है, एडमिशन लिया हुआ है कि इंक्वायरी वाला, पूरा डेटा यहाँ पर आ जाता है। अब इस डेटा को आप जो है एक्सेल में जैसा चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहें तो यहाँ पर फिल्टर लगा करके, और फिल्टर लगाने के बाद मान लीजिए आपको केवल डीसीए का डेटा देखना है तो आप डीसीए का डेटा बस देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। आप यहाँ पर यदि केवल एडमिटेड वाले चाहते हैं, इंक्वायरी वाले नहीं, केवल एडमिटेड का बस डेटा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर सभी बैचेस को देखना चाहते हैं, पीजीडीसीए को भी, डीसीए पीजीडीसीए, देखिए पीजीडीसीए और डीसीए दोनों के बैच के आ चुके हैं। इस तरीके से एक्सेल में किसी भी प्रकार से जो रिकॉर्ड्स हैं उसको फिल्टर किया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है अभी हम अपने रिकॉर्ड को, सभी रिकॉर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, ये देखिए, और ये फिल्टर भी अभी हम हटा देते हैं, ठीक है ना। फिल्टर भी हमने यहाँ से हटा दिया है, ये देखिए, और हमने अपनी फाइल को सेव करके बंद कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो स्टूडेंट में है सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड जो आपको सॉफ्टवेयर में यहाँ दिखाई देते हैं वो एक्सपोर्ट होने के बाद एक्सेल की फाइल बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो बैच हैं, ये देखिए जो भी बैचेस हैं उनकी जितनी फीस है वो भी इस तरीके से एक एक्सेल की फाइल में आ जाता है। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट करने पर हम एक्सेल में अपने रिकॉर्ड्स को जो है ले जा सकते हैं। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट में अगला ऑप्शन दिया गया सेंड टू जीमेल। यदि आप चाहते हैं कि जो भी फाइल है वो स्टूडेंट और बैच दोनों की फाइल किसी ईमेल एड्रेस में अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो उस ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए, और टाइप करने के बाद आप यहां पर ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो थोड़ा देर आप रुकेंगे तो यहां से जो भी आपकी जो फाइल है एक्सेल की वो फाइल किस में चली जा चुकी है, ये आपके जीमेल आईडी में पहुंच चुकी है। देखिए मैसेज भी जाएगा सेंड सक्सेसफुली, उसके लिए आपके पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपकी दोनों एक्सेल की फाइल जो है वो ईमेल की जा चुकी हैं, ये देखिए। अब आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको जैसे इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा जो ये एक्सपोर्ट फीचर है वो एक्सपोर्ट फीचर का इस्तेमाल आप किस प्रकार से करेंगे इस सॉफ्टवेयर में, उसके बारे में हमने यहाँ पर आपको जानकारी दी है। इस सॉफ्टवेयर के अगले फीचर की तरफ चलते हैं जो है इम्पोर्ट ऑप्शन। जी हाँ, इम्पोर्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि यदि आपका सिस्टम फॉर्मेट हुआ है या आप किसी दूसरी फाइल को यहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं तो आप इसको कैसे इम्पोर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो एक्सेल की फाइल बनी हुई थी ये एक्सपोर्ट से यहाँ पर आई हुई है। और दूसरी चीज़ ये है, मान लीजिए आपका डेटा यहाँ पर जो है
देखिए डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये राइट क्लिक किया हमने, ये राइट क्लिक किया और यहाँ से कर दिया हमने कीबोर्ड से भी ये डिलीट। ये देखिए डेटा डिलीट हो गया, और ये सेलेक्ट किया हमने, ये डिलीट पे क्लिक किया, ओके किया, डिलीट पे क्लिक किया, ओके किया, डिलीट पे क्लिक किया, ओके किया। तो इस तरीके से जो हमारी फाइल है वो डिलीट, रिकॉर्ड जो है वो डिलीट होते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हम अपनी फाइल को यहाँ पर सेव ऑल में क्लिक कर देंगे, डेटा शेयर सक्सेसफुली। अब देखिए इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो एक्सेल की फाइल है इसमें अभी हमारा डेटा डिलीट नहीं हुआ है, तो इसका फ़ायदा हम ले सकते हैं कि जो बैकअप है, एक प्रकार का बैकअप भी आप बोल सकते हैं। तो अब यदि जो भी एक्सेल में आपने पहले डेटा एक्सपोर्ट करके रखा हुआ था, अब वो पूरा डेटा यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके लिए आप इम्पोर्ट करें और स्टूडेंट में क्लिक करें। जैसे ही आप स्टूडेंट में क्लिक करेंगे, देखिए स्टूडेंट डेटा इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। जो पुराना डेटा था जो कि हमने पहले एक्सपोर्ट करके रखा हुआ था, वो पूरा डेटा इम्पोर्ट ऑप्शन से हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो ये भी इसका एक बहुत शानदार फीचर है कि जो एक्सेल में डेटा रखा हुआ है उसको पूरा आप इम्पोर्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ से अगर हम बैच को रिमूव करते हैं, ये देखिए हमने बैच को रिमूव कर दिया, तो इसके जो स्टूडेंट थे वो भी रिमूव हो चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैसेज भी दे रहा है कि जो भी जितने भी स्टूडेंट होंगे वो पूरे डिलीट हो जाएंगे। तो यदि हमने यहाँ से पूरे कोर्स को भी डिलीट कर दिया, फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। लेकिन यदि आपने एक्सेल में एक्सपोर्ट करके नहीं रखा हुआ है, तो आप अपने डेटा को जो है वो नहीं बचा सकते हैं। तो आपको जो भी डेटा एंट्री करने के बाद, या तो सेव ऑल करके रखा हुआ है आपने डेटा को, और या तो आपने एक्सेल में बना के रखा है, तब ये है कि आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इंपोर्ट कैसे करेंगे एक्सेल की फाइल से। इसमें जाएंगे, बैच में क्लिक करेंगे, तो बैच का डेटा इंपोर्ट हो गया। फिर इंपोर्ट में जाएंगे, स्टूडेंट में क्लिक करेंगे, तो स्टूडेंट का डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। कई बार देखिए एक और तरीका हम आपको बताते हैं डेटा को इंपोर्ट करने का, कि कई बार मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि आप लैपटॉप को या कंप्यूटर को फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और फॉर्मेट करने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि आपने, ठीक है, इस फाइल को जो है वो सेव करके अलग रख लिया। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि दोबारा जब हम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में चालू करें तो डेटा रिस्टोर करें। उस की जगह जब भी आप फॉर्मेट करें तो सी ड्राइव में जाएं। सी ड्राइव में जाने के बाद ये माय क्लास को भी जो है आप यहां से कॉपी करके, और कॉपी करने के बाद अपने जिस भी फोल्डर को आप रखना चाहते हैं उसमें आप इस फोल्डर में अपने माय क्लास वाले फोल्डर को पेस्ट कर लीजिए। अब आप सिस्टम को फॉर्मेट कर लीजिए, फिर दोबारा जिस दूसरे सिस्टम में आप डालते हैं तो माय क्लास को फिर से आप सी ड्राइव में, जो पहले से अगर क्लास बनी है उसकी जगह आप इस पूरे फोल्डर को रख लीजिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका डेटा जो है रिस्टोर नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आपका डेटा भी रिस्टोर हो जाएगा, आपका डेटा भी सही तरीके से दिखाई देगा। क्योंकि जावा की जो फाइल है, जो भी डेटा स्टोर होता है, वो स्टूडेंट डेटाबेस माय क्लास और बैच डॉट माय क्लास में स्टोर होते जाता है। इन फाइल को हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम केवल पढ़ सकते हैं किस फाइल को, हम पढ़ सकते हैं एक्सेल की फाइल को। लेकिन जो इस फाइल में डेटा भरा हुआ है, जो ये माय क्लास के अंदर डेटा भरा हुआ है, वो कौन पढ़ सकता है? वो पढ़ सकता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो जैसे ही उसको ये फाइल मिलेगी और तुरंत वो पूरा डेटा सामने दिखा देगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि माय क्लास में दी गई फाइल्स का क्या मतलब है, क्या यूज़ है, क्यों उसको हम बोल रहे हैं कि आप उसको बचा लीजिए जब भी आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ से हमने सीख लिया एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में। सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिए, और जैसे आप ओके करेंगे देखिए इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। और जो भी अब रिसिप्ट, जो भी रिसिप्ट होंगी, उन रिसिप्ट पे भी जो है वो स्टूडेंट का नाम जो है, ये देखिए जो भी इंस्टीट्यूट का नाम आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो नाम भी अब यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो आपको टाइप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो केवल आप ही इस्तेमाल कर पाएँ, या सिक्योरिटी आप बनाना चाहते हैं, तो सेट पासवर्ड में क्लिक करके आप पासवर्ड टाइप कर दीजिए, जो भी पासवर्ड आपको देना है।
और पासवर्ड मस्ट बी मोर देन 6 कैरेक्टर, पासवर्ड जो है 6 कैरेक्टर का आपको देना है, तो ये ध्यान रखें कि आप पासवर्ड जो है वो 6 कैरेक्टर का टाइप करें। और उसके बाद जब भी आप इस पासवर्ड को ओपन करेंगे, जो जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, देखिए सेव ज़रूर करना है, तब ये पासवर्ड जो है इस तरीके से मांगेगा। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर हो चुका है और इसको कोई दूसरा व्यक्ति जिसको सॉफ्टवेयर नहीं मालूम है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब आपने जैसे ही पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, आप अपने सॉफ्टवेयर को देखिए, यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन दिखाई देगा। मान लीजिए आप साइन आउट कर दिए, देखिए फिर से सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि लॉगिन करें, फिर से हमने लॉगिन कर दिया यहाँ पर सॉफ्टवेयर को, ये देखिए लॉगिन कर दिया हमने। लॉगिन करने के बाद यदि आप चाहते हैं कि भाई हमको पासवर्ड नहीं रखना, फिर से पुरानी जैसे हम चलना चाहते हैं, सेटिंग में जाएं और रिमूव पासवर्ड में क्लिक करते हैं। अब एक बार आपको पासवर्ड जो है वो मालूम होना पड़ेगा रिमूव करने के लिए, पासवर्ड रिमूव हो चुका है। जब दोबारा आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो अब आपका पासवर्ड जो है दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को सेट भी कर सकते हैं और पासवर्ड को हटा भी सकते हैं। आखिरी में हम आपको इसके मात्र 2 और फीचर बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे ही आप मान लीजिए स्टूडेंट की एंट्री करते हैं, कहाँ से, ऐड स्टूडेंट से, ठीक है ना, तो ऐड स्टूडेंट से जब आप एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट की किसी भी प्रकार से आप फोटो को सेव करने का ऑप्शन नहीं आता है। तभी आप देखेंगे कि उन्हीं स्टूडेंट की फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देगी आपको, जिन स्टूडेंट ने कहाँ से एडमिशन लिया हुआ है, जिन स्टूडेंट ने जब इंक्वायरी से आपने एडमिशन इंक्वायरी जब एडिट की थी तभी जो है यहाँ पर डेटा दिखाई देगा। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि आप एडमिटेड स्टूडेंट पे जाइए, अब जो भी फ़ोटो आपको लगानी, देखिए जैसे रवि कुमार को हमने चेट किया, यहाँ पर उसका नाम दिखाई दे रहा है। अब आप इस बटन पर क्लिक करके जो भी इसकी फ़ोटो लगाना है, देखें आप इस तरीके से उस स्टूडेंट की जो फ़ोटो है वो ऐड कर सकते हैं। देखिए इस स्टूडेंट की आपने फ़ोटो ऐड कर ली, फिर दूसरे में आइए, देखिए सारे एडमिटेड वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। फिर हम चेंज बटन में जाएंगे और यहाँ से जा कर के फिर से जहाँ पर हमारी इमेज सेव है वहाँ से हम कोई दूसरी इमेज को रख लेंगे। ये देखिए अब इस तरीके से जब भी हम इस रिकॉर्ड में जाएंगे वो रिकॉर्ड हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सब कुछ इसमें वर्क कर चुके हैं, वर्क करने के बाद सेव भी कर दिया है, फिर भी आपने एक डेमो के लिए सारा डेटा भरा हुआ था और आप चाहते हैं कि ये डेटा पूरा क्लियर हो जाए, और जब हम इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से क्लिक करते हैं तो ये पुराना डेटा हमको ना दिखाई दे क्योंकि हमने ये डेटा प्रैक्टिस के लिए इसमें डाला था। तो आप क्या करिए, ये सारी जो डेटा है इसकी सी ड्राइव में एक फाइल बनती है माई क्लास, इस माई क्लास फोल्डर को आप चाहें तो राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। जैसे आप इसको डिलीट करेंगे फिर जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो अब आपको ओपन करने पे इसमें पूरा शुरुआत से पूछेगा कि आप जो है क्या आप नाम एंटर करना चाहते हैं, क्या इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना चाहते हैं, बैच बनाइए और सारी डिटेल आप भर सकते हैं।